फर्जी प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन डाला गया है हूं कि जो फर्जी प्रेसिडेंट है ये मानसिक रूप से विकलांग है, क्या अस्वस्थ रहिए खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ये एक युवा क्रिकेटर उसके साथ खड़ा है, पूरे बिहार के क्रिकेटर के लिए खड़ा है और जब जरूरत जैसे पड़ेगी वैसे ये खड़ा मिलेगा। अबे हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता, समाजसेवी, और आजकल लगातार बिहार क्रिकेट में दिखते आ रहे हैं। किसी मैचेस में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, कभी खेल पट्टी पे, और कभी कभी चयन के दौरान भी। जी हम बात कर रहे हैं अमित यादव की। बताते चलें, जो अभी सचिव इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं मेंस सीनियर का, उसमें काफी अहम योगदान जो है अमित यादव का है। जैसा कि सचिव ने बताया था, कहीं ना कहीं इशारे में पूर्व सचिव श्री रविशंकर प्रसाद ने भी जिक्र किया था कि भविष्य में क्रिकेट की राजनीति में काफी अहम रोल होगा अमित जी का। आइए बात करते हैं अमित यादव जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है अमित जी। धन्यवाद। अमित जी, अध्यक्ष के द्वारा BCA साइट पे कुछ नोटिफिकेशन निकला है, आपको जानकारी है क्या? हाँ, अभी जानकारी हुई है, कुछ लोगों के माध्यम से भी जानकारी हुई है कि कुछ नोटिफिकेशन आया है। जिस तरह से फर्जी प्रेसिडेंट के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन डाला गया है, अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ूंगा विशेष है क्या उसमें। लेकिन मैं बता देता हूं सर, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कुछ ऐसे लोग, उन्होंने टाइटल दिया था तमाम स्टाफ जो है, ऑफिशियल्स, कोचिंग स्टाफ या प्लेयर्स को लेकर, कि कुछ जो लोग ऐसे जिनको निकाला गया है, अवांछित लोग, उन लोगों के द्वारा गलत तरीके से किया जा रहा है, उसमें भ्रमित न हो। देखिए, पहली बात तो मैं बता चाहता हूं कि जो फर्जी प्रेसिडेंट है ये मानसिक रूप से विकलांग है, और दूसरी बात यह कि खुद फर्जी है तो लोग को फर्जी ही बोलेंगे, क्योंकि क्रिकेट से तो इनका नाता कभी रहा नहीं है। मेरे सचिव जो हैं अभी, तत्कालीन सचिव अमित कुमार जी, उन्हें तो ग्राउंड में देखा भी गया है, हमने तो कभी राकेश तिवारी फर्जी प्रेसिडेंट को देखा भी नहीं है। और कुछ जो इनके घरेलू मेढक जो हैं उनके द्वारा ये सब कारनामा किया जा रहा है ताकि अपने आका पे कुछ विश्वास जमा सके। कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ चुके हैं, ये सच्चाई है। ये सारे लोग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर और जिला संघ सब कोई जानते हैं कि आज के डेट में वो कमजोर पड़ चुके हैं। आप कान खाए हो कभी? कैसे बनता जानते हो? कढ़ाई में मकई को डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है, जान तो का है कि उसकी फटरी होती है। और कुछ उनके बगल में जो घरेलू मेढक है उनके द्वारा यह सब किया जा रहा है। खैर, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग क्रिकेटर और क्रिकेट दोनों के लिए जुड़े हैं और वो होके ही रहेगा, चाहे कितना भी कोई फर्जी नोटिफिकेशन निकाल ले फर्जी प्रेसिडेंट द्वारा या किसी के द्वारा, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। सर, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पे इसका असर पड़ता है और खेल पे भी पड़ता है। जिस तरीके का वर्तमान परिवेश में बिहार क्रिकेट पिछले 3-4 साल वर्षों से रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्वस्थ रहिए खिलाड़ियों के लिए, उसके ऊपर कोई भी इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक युवा क्रिकेटर उसके साथ खड़ा है, पूरे बिहार के क्रिकेटर के लिए खड़ा है और जब जरूरत जैसे पड़ेगी वैसे ये खड़ा मिलेगा। इसलिए आश्वस्त रहिए, कोई प्रभाव फर्जी प्रेसिडेंट और उसके गुट द्वारा नहीं पड़ने वाला है। सर, बात हो रही है विरोध की, तो इस विरोध की राजनीति में, क्रिकेट की राजनीति में, आप राकेश तिवारी को किस रूप में देखते हैं? हम देखते ही नहीं, वो फर्जी है उसको क्या देखना है, वो फर्जी है उसको क्या देखना है, वो फर्जी है उसको क्या देखना है। वो खुद एक फर्जी है, कितना उसको देखिएगा, देखने लायक है ही नहीं वो। वो तो क्रिकेट धर्म को ही वो आज के डेट उसी का दलाली कर रहा है। क्रिकेट वो खराब कर चुका है, क्रिकेट को वो बेच चुका है। पिछले 3 साल, विगत 3 सालों में क्रिकेट को तो उन्होंने ऑक्शन पे डाल दिया है दलाली के रूप में। तो ऐसे लोग पे देखना क्या है, उसको हम देखते ही नहीं है। सर, पहली बार जब मान्यता चली गई थी, बिहार झारखंड अलग हुआ था और झारखंड को मान्यता मिली, उसके बाद जब मान्यता मिली और रविशंकर प्रसाद जी सचिव थे, उनके नेतृत्व में जब बिहार टीम का गठन हुआ, तो सीनियर पुरुष वर्ग में क्वार्टर फाइनल में बिहार मुंबई से हारा था। उसके बाद कभी कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुश्ताक अली की बात कर रहा हूं मैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि उस टाइम प्लेयर थे,
प्रज्ञान ओझा हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर एज ए कैप्टन थे, कहीं ना कहीं कोच में हमारे आज जो इंडिया सेलेक्टर के रूप में उनके सदस्य के रूप में थे हमारे उनका वो इंडिया प्लेयर थे सुब्रत बनर्जी। तो ऐसे ऐसे लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़े हुए थे, चयन प्रक्रिया भी बहुत साफ सुथरा था बहुत। तो उस समय क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ और उसका रिजल्ट भी मिला उनके नेतृत्व में, रविशंकर बाबू के नेतृत्व में मिला है वो चीज। सर, बिहार क्रिकेट के दो दिग्गज श्री रविशंकर प्रसाद और श्री अजय नारायण शर्मा, उन दोनों के मान सम्मान पे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा जब उनको कहा गया आप निष्कासित हैं। ये दो दिग्गज हैं, दो ध्रुव तारे हैं बिहार क्रिकेट के, क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, जो क्रिकेट को क्रिकेटर से ना क्रिकेट से जिसको कभी मतलब रहा है उस प्रेसिडेंट को, तो वो निकाल ही देंगे तो उनको क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो खुद क्रिकेट में इतने बड़े उन दोनों का कद है कि ये कहीं ना कहीं उनके निष्कासित करके ये आप वो उनके कद के बराबर आना चाह रहे हैं, लेकिन वो कभी आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका मान सम्मान एक क्रिकेटर के नजर में और दिल में बहुत अलग है। इसलिए इस सब का जवाब देना हमको नहीं लगता है कि कुछ अच्छा होगा मेरे लिए। और सर, आप अपने नए जो क्रिकेटर्स हैं जो ट्रायल दे रहे हैं या बिहार के तमाम क्रिकेटर्स, उनको क्या आपका संदेश होगा? कुछ नहीं, खेले, क्रिकेटर तो खेल के लिए ही है। अपने धर्म का जो क्रिकेटर और क्रिकेट का एक धर्म है जो आज क्रिकेट में देश में क्रिकेट को धर्म के रूप में लोग देख रहे हैं खेल के जगत में, उससे वो जुड़े रहे, वो खेले और उनका इस बार सब चीज जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर रहेंगे वो इसी साल डोमेस्टिक सीजन सचिव के नेतृत्व में वो खेलेंगे। सर, सुबह आपके चयन प्रक्रिया के दौरान दो मिनट के लिए ग्राउंड के गिर्द नजर आए थे परबत्ता विधायक सह खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष हैं वो अपने तरीके से मनमाना चाहिए, उनका कहने का सार वही था। डॉक्टर संजीव ने तीखा प्रहार किया था कहीं ना कहीं अध्यक्ष राकेश तिवारी पे और उन्होंने कहा था अपने खिलाड़ियों को निश्चिंत रहें, अच्छी क्रिकेट खेलें, आपके साथ हम लोग हैं। हाँ, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ, उन्होंने जो भी कहा सही कहा, गलत कहा कहा उसने, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं आप सत्तारूढ़ दल से भी जुड़े हैं, तो फिर आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार इस पर संज्ञान ले रही है? संज्ञान बिहार सरकार ले रही है पर जो फर्जी प्रेसिडेंट है वो वहां हाजिर नहीं हो रहे, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि उनको हाजिर होना ही पड़ेगा। जितना वो भाग रहे ना, उनको हाजिर होना ही है और अब जवाब देना ही पड़ेगा उनको। कितना भी वो भागेंगे, जितना वो भागेंगे, जितना वो सरकार उनके पीछे भाग रही है, क्योंकि ये क्रिकेट की बात है और क्रिकेट में कहीं ना कहीं युवा जुड़े हुए हैं और हमारे युवा के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। इसलिए उनको जवाब देना होगा, जितने भी सवाल, जितने भी भ्रष्टाचारी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जितना भी भ्रष्टाचार वो किए हैं क्रिकेट में, इसका जवाब उनको देना होगा। धन्यवाद सर, ये थे युवा नेता, समाज सेवी और क्रिकेट के प्रशंसक कहा जाए और क्रिकेट पदाधिकारी के तौर पर भी आए हैं अमित कुमार जी।